मैंने कह दिया ना, मुझे किसी जमींदार, किसी वडेरे, किसी जागीरदार से शादी नहीं करनी है। और ये फैजी तो मुझे बचपन से नहीं पसंद है, इंसान नहीं सांप लगता है। की कह रही है तू? है पर शहर जाके तेरी जबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? कालजो की खराबी है मेरे फैजी में है, बता ना जरा। माशाल्लाह एडा ऊंचा लंबा जवान है। ए, बस थोड़ा जा ना शोखा है ते मोटे जे दिमाग दा है, ते बाकी तो सब ठीक ही है ना। बुराई बुराइयां, अकल मोटी है, जबान काली है उसकी, और तालीम का खाना बिल्कुल खाली है। बस ये और कुछ याद दिलाऊं उसके बारे में आपको? गाल सुन, वो मेरे भाई की ना एक लौती औलाद है। लाडला भतीजा है मेरा, और मेरे महके का चश्मो चिराग, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जमीन जदाद बाग निया सारिया चीजा का वो मालिक है, और तेनू की चाहिए? मुझे जायदादें नहीं चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए, इंसान का बच्चा चाहिए। मेरा भाई इंसान नहीं सी? करती हूँ मैं तेरी फुफी को फोन। निकली ना आखिर फुफी, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ये सारी पटियाँ ना। उस पे लगाम बूढ़ी की पढ़ाई हुई है, बेटी को माँ के सामने लाकर खड़ा कर दी है। जूबी आंटी को बीच में मत लाए, उन्होंने कुछ नहीं कहा है मुझे, मुझे बस फैसी नहीं पसंद है। फिर तुम्हें कोई और पसंद है? जी मुझे कोई और पसंद है। की कह रही है तू? है और तेनो मैं शहर पढ़ने वास्ते भेजे असी, तू वहां जाके क्या कर रही है? इश्क में शूकियां कर रही है? मेरी गल कन खोल के सुन ले, तू याद रख, तू तेरा नसीब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फैजी है और कोई नहीं। हैं इश्क कर रही है? वो जड़ा काम मैं नहीं कीता है ऐ कर रही है। मैं देख रही हूं जिस तरह से तुम डस्टिंग कर रही हो, इस तरह से की जाती है सफाई? हाँ अगर कल तुमने इस तरह से सफाई की ना तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। क्या बात कर रही हैं आप ज्यादा टेंशन मत लें, आपको पता है टेंशन लेने से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, सीन स्किन। अरे भाई जानती हूँ इसीलिए तो ज्यादा गुस्सा नहीं करती, लेकिन ये लोग ना मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अल्लाह इतना नरम दिल भी किसी को ना दे। वैसे तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारी मालिकन कितनी अच्छी है, ख्याल करती है तुम्हारा हसीना, ध्यान से काम किया करो। ओके चलो दूसरे काम करो। ते अच्छे लड़के हो तुम। वैसे गुस्सा मुझे उस खपती शैतान पर आ रहा था। खपती शैतान कौन? अरे वही जो कल मेरे रास्ते में आ गया था। अगर तुम कल उसे मेरे सामने से ना हटाते ना तो मैंने उसका मर्डर कर देना था। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए इस मोहल्ले में। वैसे अब हर कोई आपकी तरह हसीन और पढ़ा लिखा तो नहीं हो सकता ना। जुबी आंटी मैंने अम्मा को साफ साफ रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है, मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे कोई और पसंद है। वेरी गुड, ये हुई ना बात, अब लगी हो तुम मुझे मेरी शागिर्द। लेकिन मसला ये है कि मुझे तो कोई भी नहीं पसंद, और अम्मा कह रही हैं कि वो शहर आएंगी लड़के से मिलने के लिए। लड़का कहां से लाऊं? क्या नसरीन भाभी शहर आ रही हैं? इरादा तो कुछ ऐसा ही है उनका, टांगे भी तो तोड़नी है ना मेरी पसंद के लड़के की। हाँ लेकिन लड़का कहाँ से मिलेगा? वैसे मारुख आपकी जिंदगी तो बहुत ही मुश्किल में नजर आ रही है। तुम हर वक्त हमारे घर में क्यों मंडलाते रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हें? मैं तो बस पड़ोस वाले घर से ऐसे ही मिलने के लिए आ जाता हूँ अपना समझ के। अपना समझ के पागल समझाया हमें? नजर नहीं आता कि तुम सिर्फ लंच और डिनर के वक्त यहाँ पाए जाते हो? सारी अपनाइयत सिर्फ दो वक्त के खानों की हद तक है तुम्हारी। देख रही है आप, खाने का ताना दे रही है मुझे, ये आपकी तरह जेनरस क्यों नहीं है? मारुख अपनी जबान को लगाम दो। मैं रोहन की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मेरा मेहमान है। जवाब नहीं है वैसे आपका भी, शकल है इसकी मेहमानों वाली,
भुक्खड़ मारो। देखा, बैड लक। रोहन बेटा प्लीज तुम माइंड मत करना। देखा ना, मारो परेशान है। चाचा जी कैसी गुजर रही है? ये रोहन कंपनी तो देता है ना आपको। तुम्हारा बेटा सख्त किस्म का आवारा है, घर में टिक के बैठते ही नहीं। अब देखो, याद करने पे भी मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आ रही। ओए, ठीक है चाचा जी, उसका बंदोबस्त भी करते हैं, लेकिन आज तो मैंने एक दूसरी खुशखबरी देने के लिए आपको फोन किया है। हाँ, ओह यकीनन तुमने एक और शादी कर ली होगी। और नहीं नहीं चाचा जी, इस मर्तबा तो मैंने आपके लिए दुल्हन तलाश कर लिए। हाँ क्या? हाँ जी, वो चाचा जी वो मार्था है ना मेरी माली की मकान, वो क्या बंदी है, इंतहाई शरीफ, बापर्दा, बावकार, बहुत ही शरीफ नफ्स औरत है, मान ले मेरी बात। बापर्दा, घरेलू, बावकार बीवी, और यकीनन मुसलमान नहीं हो, है ना जी? लेकिन आपको कैसे पता चला चाचा जी? चुप 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 कर, और आइंदा मुझे इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करना। ओ चाचा जी, मैं कहता हूँ मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर कर ले तुसी। अगर आप शादी कर लेंगे ना मार्था से, तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि वो मेरा किराया माफ कर देगी। समझे मेरी गाल को प्लीज। ओह, तो असल बात ये है। तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझ ना चाचा जी। चले, खबरदार जो तुमने इस बारे में कभी बात की। घरेलू, बाप परता। हाँ क्या हुआ, आज मूड खासा ऑफ लग रहा है। मार्था। मार्था कौन? मार्था क्या हुआ? ये वही मार्था जिससे तुम्हारा बाप मेरी शादी करवाना चाहता है। मैंने भी उसे कह दिया है कि आज के बाद इस रिश्ते का जिक्र नहीं होगा। मना करवा दिया ना, चले उनसे मुश्किल है तो किसी और से सही। वैसे एक बात है, आंटी के जूड़े में फूल लग बहुत आउट क्लास रहे थे। हाँ मैं मानता हूँ उससे भी थोड़ी तेज है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सही कह रहा हूँ? दोष क्या?